जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लेकर आए बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी और आपसे जलने वाले लोग और आपको जलाने वाले लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और आप एक अनुभव और शांति का अनुभव करेंगे और आप सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व के एक अमीर व्यक्ति बन जाओगे। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, काली विद्याएँ होती है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो प्रिय मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, काली विद्या क्या होती है, ये कब फायदेमंद होती है और कब नुकसान देती है और हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और हमें इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में सारी बातें को जानेंगे। काली विद्या एक तांत्रिक विद्या होती है जो कि मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए की जाती है। तांत्रिक प्रक्रिया में मन शुद्ध होता है और बुद्धि स्थिर होती है और मन मुक्त होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तांत्रिक प्रक्रिया से मन शुद्ध होता है और इससे हम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से शारीरिक चिंतन कर सकते हैं और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि आप तांत्रिक शक्तियों को जगाकर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हो और एक जादुई व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाते हो। आप इस दुनिया में हर कोई काम कर सकते हो जो आपको असंभव लगता है। तांत्रिक शक्ति एक बहुत ही कठिन तरीके से हासिल होती है। तांत्रिक शक्तियाँ कब लोगों के लिए फायदेमंद होती है? तंत्र की विद्या प्राप्त करके लोगों को एक नई शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, वह शक्तिशाली बन जाते हैं। इन शक्तियों की मदद से लोगों की मदद की जा सकती है और अपने दुश्मनों को भी आसानी से हराया जा सकता है। तंत्र की साधना करके आप ईश्वर को भी देख सकते हो और ईश्वर की तरह शक्तिशाली भी बन सकते हो। तंत्र की शक्ति से आप अपने जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान निकाल के उसका हल निकाल सकते हो और एक खुशी जीवन जी सकते हो। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कुछ लोग तांत्रिक विद्या को गलत समझते हैं और तांत्रिक विद्या का गलत उपयोग करते हैं और दूसरों के जीवन में समस्याओं को पैदा करने के लिए तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं और काला जादू का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है मेरे प्रिय मित्रों। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी काली विद्या से दूसरों को हानि पहुँचाना चाहते हो तो आप इस तरह हानि नहीं पहुँचा सकते हो जब तक सामने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु केतु और शनि की दशा ना चल। काली विद्याओं का मालिक शनिदेव होता है। अगर आप चाहते हो काली विद्याओं का मालिक बनना तो आप शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए या फिर काली माता या भैरव भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, आप काली विद्याओं के स्वामी बन जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, काली विद्या एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें आप शक्तिमान, सोनपरी, हातिम, आपने शायद ये सीरियल तो देखी होंगी ना, और आप राक्षस वाली सीरियल देखते होंगे या फिर आप स्पाइडरमैन वाली फिल्म देखते होंगे, तो आप काली विद्याओं की शक्ति से ये सब कर सकते हो जो आप फिल्मों में देखते हो, ये रियलिटी में आप कर सकते हो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी काली विद्याओं से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं चल रही है, आपकी ज़िंदगी में राहु केतु और शनि का बहुत ही भयानक प्रकोप चल रहा है, तो आपको ऐसी विद्याएँ आपको अपने तंत्र मंत्र की साधना या फिर किसी सन्यासी के साथ मदद लेनी चाहिए। काली विद्याओं के छुटकारा पाने के लिए आपको महान और अच्छे सन्यासी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप इन पाखंडी लोगों के पास ना जाए जो आपसे पैसे लूटते हैं और उल्टे सीधे गलत काम करवाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको काली विद्या ने घेर रखा है तो आप शिव की उपासना कीजिए, काली माता की उपासना कीजिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की पूजा कीजिए और एक अच्छे सन्यासी के पास जाइए जो आपको सही रास्ता दिखाए। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैंने भी अपने YouTube चैनल पर काली विद्याओं से बचने के लिए और काली विद्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक वीडियो अपलोड किया है, आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो प्रिय मित्रों, यह कैसा लगा आपको वीडियो? अगर से आपको वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रिय मित्रों, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, बस वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिए। प्रिय मित्रों, आपसे अलविदा लेता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम।